हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा की रसोई। फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने वाले हैं टमाटर की कड़ी। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपनी इस रेसिपी को। कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने कढ़ाई में तेल लिया है। अब उसमें हम लगाएंगे मेथी का तड़का। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे बारीक कटा हुआ प्याज। फिर हम प्याज को अच्छे से पका लेंगे। जब आपका प्याज पक जाए, उसके बाद यहाँ पे हमने 6 से 7 टमाटर को पीस के रखा हुआ था मिक्सी में। अब हम उसका पेस्ट इसमें मिला लेंगे। इस तरीके से हम इसके पेस्ट को उसमें मिला लेंगे और पका लेंगे थोड़ी देर तक। फिर उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्ची, फिर धनिया पाउडर और फिर हल्दी। सारे मसाले हम इसमें डाल लेंगे। थोड़ी सी काली मिर्ची भी डालिए। फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बबाद हम इसमें मिलाएंगे 3 चम्मच बेसन। ये हमने मिला दिया 3 चम्मच बेसन। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा जो बेसन है वो अच्छे से पक जाए। हमारा बेसन कच्चा नहीं रहना चाहिए, तो इसको हम 5 से 7 मिनट तक ऐसे पकाएंगे। जब हमारा बेसन पक जाए, उसके बाद हम इसे मिला लेंगे पानी। जितनी आपको ग्रेवी बनानी है, आप उस अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी टमाटर की कड़ी अब उबलना शुरू हो चुकी है। इसका मतलब अब ये बन के रेडी है। देखिए, इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। आप इसको 5 मिनट तक उबाल लें। फिर इसके बाद हम इसको गार्निश करेंगे धनिया पत्ती से। इसमें इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी टमाटर की कड़ी बिल्कुल रेडी है बनके। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल राधा की रसोई को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब हम मिलेंगे अपनी दूसरी वीडियो में।